वेलकम दोस्तों, स्वागत है द हिंदुस्तानी ट्रेकर के एक और नए एडवेंचर में। और मैं पहुंच गया हूं जगन्नाथ स्वामी मंदिर, और मेरी साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पहुंच चुकी है उड़ीसा के पुरी में, जहां है बाबा जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर। और मेरी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम में से ये मेरा तीसरा धाम है, 6 ज्योतिर्लिंग भी मेरे कम्प्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं जाऊँगा मल्लिकार्जुन श्रीशैलम, जो मेरा 7वां ज्योतिर्लिंग रहेगा, फिर निकल जाऊंगा रामेश्वरम। तो दोस्तों, अभी बाबा जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन करते हैं पहले। और यहाँ पर भाई इतना क्राउड रहता है, 365 दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है, पता नहीं दर्शन में कितना समय लगेगा। कोशिश करेंगे मंदिर प्रशासन से बात करने की, अगर कोई हेल्प मिलती है तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे, वरना फिर वही जनरल लाइन में लगना पड़ेगा। और अभी जो ये सामने देख रहा हो, ये है बाबा जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर। और ऊपर देखिए, ये वही ध्वजा है जो जिसे लोग कहते हैं कि ये हवा के विपरीत दिशा में हमेशा फ्लाई करती है। तो अभी हम भी अंदर चलते हैं, क्योंकि मंदिर प्रशासन से मैंने बात की, उन्होंने ज़्यादा तो नहीं बस थोड़ा शॉर्टकट रास्ता मुझे बताया कि आप इधर से जा सकते हैं, मतलब आधी भीड़ में मुझे घुसा दिया। अंदर तो कैमरा अलाउ है नहीं, तो चलो अभी अंदर चल के दर्शन करते हैं। और ये जो मंडप अभी आप देख रहे हो, इसने प्रभु को चढ़ाया हुआ 56 भोग का प्रसाद यहाँ पे मिलता है, 50 रुपये का मिलता है, 100 रुपये का मिलता है, जैसा आप लेना चाहो। और यहाँ पर हर दिन 56 भोग का प्रसाद चढ़ता है। तो चलो अभी अंदर चलते हैं। तो भाई दर्शन करके मैं अभी बाहर आ गया हूँ, अंदर तो कुछ भी नहीं ले जाने देते यार, ना कैमरा, घड़ी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कुछ भी नहीं। बाहर से देखिए कुछ इस तरह मंदिर का पूरा व्यू दिखाई देता है, समंदर यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर। और ये जो मंदिर के टॉप पे आप ध्वजा देख रहे हो, इसे प्रतिदिन बदला जाता है, और कहते हैं कि ये हवा के विपरीत दिशा में फ्लाई करता है। तो ऐसे काफ़ी भक्त लोग भी यहाँ पर ध्वजा चढ़ाते हैं। मंदिर प्रशासन से बात करने के बाद कुछ पूजा होती है, और आप भी अपनी ध्वजा चढ़ा सकते हैं। और अंदर जो मूर्ति है वो कुछ इस तरीके से है, देखे भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, देखे यार कितना बलराम जी यहाँ। और ये प्रतिमा लकड़ी की बनी हुई है, और वहाँ मंदिर तक हर 12 साल में जो दिल है जो उसे चेंज करते हैं और नई प्रतिमा में डालते हैं हर 12 साल बाद। कहते हैं कि गुजरात में सोमनाथ के पास भगवान श्री कृष्ण के पैरों में जब तीर लगा था, और जब उन्होंने इस शरीर को छोड़ा था, तब वहीं पे उनका जो है दाह संस्कार किया गया, और उसके बाद उनका जो हृदय था, उनका जो दिल था, वो समंदर के रास्ते बह के इस उड़ीसा के तट पे आके रुका था। और यहाँ के राजा के स्वप्न में आके जो है भगवान ने कहा कि मेरी यहाँ पे प्रतिमा बनाइए। तो वो जो दिल है वो यहाँ पर लकड़ी की प्रतिमा बना के उस दिल को उस प्रतिमा में रखा जाता है, और सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है, हर 12 साल में नई प्रतिमा में उसे बदला जाता है। और जब बदलते हैं तब जो बदलने वाला व्यक्ति है वो अपनी आँखों में पट्टी बांध के, और उस समय पूरी जो ये पूरी शहर जो है जगन्नाथपुरी शहर, इसकी भी पूरी लाइट बंद होती है, अंधेरे में उसे पूरा बदला जाता है, और नई मूर्ति में 12 साल में नई मूर्ति में उन्हें रख के फिर से स्थापित किया जाता है। और उस समय यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है दोस्तों। जहाँ प्रभु का जो दाह संस्कार हुआ था उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। देखिए रसिया से कुछ भक्तों की टोली आ रही है, सारे रसिया से। मैंने इनसे बात किया था, मैं बोला हेलो, ये इनसे मैंने बात किया था जो पीछे चल रहे, मैंने बोला वेर आर यू फ्रॉम, बोले रशियन। इंग्लिश भी इनको थोड़ा नहीं आता है, रशियन बोलते हैं, रसिया लैंग्वेज बोलते हैं रशियन। कान्हा की मस्ती में मगन है भाई रसिया के लोग, देखिए फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय। और देखिए सिर पे टोकनी लीजिए चढ़ा, उसमें माता यशोदा, बलराम जी, कृष्ण जी, और भी जो
राधा रानी। ये देखिए फुल एंजॉय चल रहा है और काफ़ी लोग हैं वैसे। और ये जो मोहतरमा, ये देखिए ये जो है, ये जो बैग से कुछ निकाल रही है किताबें, तो ये भगवत गीता की किताबें लोगों को बांट रहे हैं, भगवत गीता और काफ़ी किताबें इनके पास हिंदू धर्म और हमारे देवी देवताओं के बारे में काफ़ी जानकारी भी रखते हैं। अंदर से पुजारी जी देखे तुलसी के पत्ते ले, जो तुलसी की माला भगवान को चढ़ती है वो माला लेके आए हैं, सब आपस में बांट रहे आपस में। और वो जो महिला है वो प्रसाद कुछ बोल रही है, लेकिन वो रसिया लैंग्वेज में बोल रही है तो कुछ पुजारी के भी समझ में नहीं आ रहा है और भी किसी के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यार या तो इंडिया में लोग क्या है, या तो इंग्लिश जानते हैं या तो हिंदी जानते हैं या तो इनका लोकल लैंग्वेज उड़ीसा का उड़िया लैंग्वेज। अभी देखिए वो तुलसी के पत्ते आपस में बांट रहे। तो ये होती है यार भक्ति, रसिया से लोग आ गए यहाँ पे सोचिए। और मैं साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की यात्रा में निकल गया, लोग मुझे न जाने क्या क्या कमेंट करते हैं, पागल हो गया क्या क्या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और कट्टर हिंदू लिखवाए फिर रहे हो और अपने घर से निकलने में फुर्सत नहीं है यार आप लोगों को, घर से निकलो यार बाहर देखो। तो दर्शन करके मैं निकल आया हूँ, बहुत बढ़िया से दर्शन हो गए, पुलिस प्रशासन ने काफ़ी मदद की मेरी, क्योंकि अगर मैं लाइन में अगर लगा होता तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी यार और पूरा दिन मुझे लग जाता उधर लाइन में लगने में। लेकिन प्रशासन के लोगों ने मेरी साइकिल देख के मेरी थोड़ी मदद की और साइकिल भी उन्होंने रख लिया था। अभी मैं फ़िलहाल दर्शन करके जगन्नाथपुरी जो पूरी शहर है वहाँ से थोड़ा बाहर में आ गया हूँ और अभी मेरे को जाना है विशाखापट्टनम। तो मैं बाहर सोचा कि आगे कुछ मिलेगा या ना मिले, तो यहाँ पर एक बस स्टैंड है, ये देखिए किसी बस स्टैंड के साइड में मैंने टेंट लगा लिया और ये होटल भी है इस होटल के यहीं पे पास में। देखिए ये मैंने टेंट लगा लिया है और चेतक मेरा इधर खड़ा है, सामान बाकी मैंने अंदर रख लिया है। और सामने देखिए ये रहा हाईवे, हाईवे के किनारे ही है। चलो दोस्तों अभी आराम करता हूँ और कल निकलेंगे विशाखापट्टनम के लिए। विशाखापट्टनम तो अभी काफ़ी दूर रहेगा पर सफ़र हमारा ऐसे चलता रहेगा, बस आप लोगों का साथ और बाबा महाकाल का आशीर्वाद ऐसे बना रहे। चलो दोस्तों फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।